नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है मुआवजा के बारे में है कि ज़मीन पर मुआवजा कितना मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। ज़मीन मुआवजा के विषय में कहा गया है कि भूमि का मुआवजा वही होगा, यानी भूमि का या ज़मीन का मुआवजा वही होगा जो राज्यों ने निर्धारित किया है। यानी कि जो है ज़मीन का मुआवजा वही मिलेगा आपको जो राज्यों के द्वारा या सरकारों के द्वारा तय किया गया है, निर्धारित किया गया है। जबकि यह मुआवजा किसी भी हाल में जो है, अगर पड़त भूमि है, अगर जो है पड़त भूमि यानी प्रति भूमि के लिए प्रति एकड़ 6 लाख है, अगर प्रति भूमि मान लीजिए जोधपुर नहीं जा रही है तो उसके लिए जो 6 लाख रुपये और एक फसल ही अगर मान लीजिए सिंचित भूमि है और एक फसल केवल उसमें होता है, उसके लिए जो है प्रति एकड़ 8 लाख रुपये मिलता है, यानी इससे कम नहीं मिलेगा। और मान लीजिए अगर मान लीजिए दो फसली है उसमें दो फसल होता है और सिंचित भूमि यानी सिंचाई योग्य भूमि है तो उसके लिए जो है रुपया 10 लाख से कम नहीं होगा, यानी आपका जो है मुआवजा इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। यानी जो भी वर्तमान रेट सरकार तय की होगी उस समय या वर्तमान में, तो उसका उसी के हिसाब से मुआवजा आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। क्योंकि मुआवजा इसलिए मिलता है कि आप उसके बराबर ही ज़मीन कहीं अन्य जगह जो है खरीद सकें या उसको बना सकें, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।